नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन टू योर साइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे सी पैनल में लॉगिन कर लेता हूँ। सी पैनल में लॉगिन होने के बाद आपके पास सी पैनल का डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर क्लूज नाम के सेक्शन में। जनरली ये सेक्शन सबसे नीचे की तरफ होता है, आपको उसे ढूंढ लेना है। ये देखिए, यहाँ पर ये सेक्शन है, आपको इसमें जाना है। यहाँ पर सिंपली एक पैकेज इंस्टॉलर होता है, जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर जुमला, ड्रूपल, वर्डप्रेस के लिए। तो आपके यहाँ से वर्डप्रेस ढूंढ लेना है। ये देखिए, ये पहले यहाँ पे वर्डप्रेस दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। वर्डप्रेस पर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ वर्डप्रेस पर इंस्टॉल करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे वर्जन वगैरह दिखाई देगा ये वर्डप्रेस का कौन सा है। आपको ये जो इंस्टॉल बटन दिख रहा है नीचे, इंस्टॉल नाउ, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। इस बटन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सेटअप ओपन होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आता है वो चूज़ प्रोटोकॉल है। इसका मतलब होता है कि HTTP या HTTPS आपको किस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आपने SSL सर्टिफिकेशन लिया है अपने डोमेन के ऊपर तो आपको https.www करना है। अगर आपने नहीं लिया है तो HTTP सिंपली सेलेक्ट करना है। मैंने अपने डोमेन पर HTTP सर्टिफिकेट लिया है तो मैं यहाँ से HTTPS सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन होता है वो चूज़ डोमेन का होता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन है तो ये आपको लिस्ट में यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको कौन से डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा डोमेन। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है इन डायरेक्टरी, तो ये जो ऑप्शन है आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए, ये जो ऑप्शन है आपको ये पूरा ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में आपको आना है नीचे साइट सेटिंग सेक्शन में। यहाँ पर आपको अपने साइट का नाम डालना है, जो भी आप देना चाहते हो। उसके बाद नीचे साइट डिस्क्रिप्शन में आपको आप टैगलाइन वगैरह डाल दीजिएगा या फिर कुछ भी डाल दीजिएगा, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होगा वर्डप्रेस, या फिर वैसे ही रहने दीजिए उसको। उसके बाद आना है आपको एडमिन अकाउंट में। वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले दो ऑप्शन जो है वो एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये आपको लॉगिन करने के लिए काम आएंगे वर्डप्रेस में। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एडमिन आता है। उसके बाद आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही रहने दूंगा। उसके बाद आपको आना है नीचे पासवर्ड में। आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। आप मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा, जिसमें कैप्स लॉक वगैरह, नंबर्स और सिंबल यूज़ करे होंगे आपने, वो पासवर्ड चूज़ करिएगा। अगर आप यहाँ पे ये जो की दिख रही है राइट साइड को, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। और पासवर्ड टाइप होने के बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे कहीं तो भी कॉपी करके रखिएगा, वर्ड फाइल में या फिर टेक्स्ट फाइल में इसे कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है एडमिन ईमेल में। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको admin@, उसके बाद आपका जो भी डोमेन नेम होगा वो मेल आईडी यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आपको आपका पर्सनल मेल आईडी डालना है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या फिर यूज़र नेम भूल जाते हैं या फिर लॉगिन करने में कोई दिक्कत आती है वर्डप्रेस में, तो वो जो रीसेट लिंक या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह जो कुछ भी होगा वो आपके पर्सनल मेल आईडी पे भेजेगा वो। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आप अपना पर्सनल मेल आईडी ही डालिएगा। मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल देता हूँ। मेल आईडी डालने के बाद आपको चूज़ लैंग्वेज करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होगा, आपको उसे वैसे ही रहने देना है।
उसके बाद ये जो लॉगिन अटेम्प्ट लिमिट है, तो आपको इसे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं या फिर अनचेक भी रहने दीजिए। बेसिकली ये होता है कि अगर 3 बार आपका पासवर्ड गलत हो गया या यूज़र नेम, तो ये आपको लॉगिन करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, अगर आप चाहे तो इसे टिक कर सकते हैं या फिर अनटिक भी रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में ये जो एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये डाटाबेस और टेबल्स के एसक्यूएल टेबल्स के नाम वगैरह होते हैं इसमें, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद में आपको आना है नीचे ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, यहाँ पर फिर से आपको अपना पर्सनल मेल आईडी डालना है, क्योंकि इंस्टॉल होने के बाद जो भी लॉगिन लिंक वगैरह होगी तो वो इस मेल पर भेजी जाएगी आपको। तो आप यहाँ पे अपना पर्सनल मेल आईडी डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देता हूँ पर्सनल। मेल आईडी डालने के बाद आपको इंस्टॉल जो बटन दिख रहा है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। ये इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। बहुत क्विक ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल सक्सेसफुली। इसका मतलब वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। इसके नीचे आपको दिखाई देगा या आपके वेबसाइट का नाम कि इस वेबसाइट पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, और इसके नीचे ये जो है ये लॉगिन डिटेल्स है, लॉगिन लिंक है, ये आपको मेल पर भी भेजी जाएगी जो हमने पर्सनल मेल डाला था। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने होगा वर्डप्रेस में। मैं इस लिंक पर क्लिक करके देखता हूँ लॉगिन होता है या नहीं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये सब आप कॉपी करके रखिएगा नोटपैड में या फिर वर्ड फाइल में। मैं इस लिंक पर क्लिक करके देखता हूँ लॉगिन होता है या नहीं। इस पर क्लिक करने के बाद ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन होगा हमारी वेबसाइट का, अभी अभी जिस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। ये देखिए वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा, आपको इसी पेज पे दोबारा आके लॉगिन करना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसे बुकमार्क करके रखिएगा।